Good morning friends, in this video we will see our second day spoken English classes. So let's get started. First of all, we have the second rule of complement, and that is vojvar. At the end of Hindi we see tha. To make it in English we use voj or var plus complement. When we talk about the subject, we use was with subject I, were with you, they were, we were, he was, she was, it was, singular name was, plural name were. And here are some examples related to this rule. Number one is wa bimar tha. It means he was ill. इसका मतलब ये हुआ कि वह के बदले ही और ही के साथ वाज लगता है, फिर बीमार का इल. आगे है निगेटिव सेंटेंस, वह बीमार नहीं था, ही वॉज नॉट इल. फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, क्या वह बीमार नहीं था, वाज ही नॉट इल. इसके बाद डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव, वह बीमार क्यों नहीं था, वाई वॉज ही नॉट इल. इसके आगे है कुछ वर्ब फॉर्म्स, तो देखते हैं. खाना या भोजन करना, वर्ब वन ईट, वर्ब टू एट, वर्ब थ्री ईटन. रहना ड्वेल, ड्वेल्ट, ड्वेल्ट. तीसरा नंबर वर्ब फॉर्म, सूखना या सुखाना, ड्राई, ड्राइड, ड्राइड. चौथा, बूंद बूंद गिरना, गिराना, त्याग देना, ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड. झुकना या झुकाना, ड्रूप, ड्रूप, ड्रूप. इसके आगे कुछ सेंटेंसेस है. पहला सेंटेंस है, थक गए हो क्या, इसका इंग्लिश होगा आर यू टायर्ड. दूसरा नंबर जो सेंटेंस है, तुम गाड़ी चला सकते हो क्या, तो इसका इंग्लिश है कैन यू ड्राइव. तीसरा है, मोटे मत हो जाना, डोंट गेट फैट. चौथा है, हार मत मान लो, डोंट गिव इन. पांचवा है, पी कर खत्म कर दो, ड्रिंक इट डाउन. इसके आगे एक वर्ड है इफेस, इसका मतलब होता है मिटाना. इसका साइनोनिम है एनल, डिस्ट्रॉय और ऑब्लिटरेट. और इस वर्ड का एंटोनिम है रिटेन और मेंटेन. एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन, यानी एक ऐसा कविता जिसमें लेमेंटेशन की बात होती है, एलेजी जिसको बोलते हैं हिंदी में, शोक गीत बोलते हैं. इसके आगे एक इडियम है ईट हम्बल पाई, इसका इंग्लिश में नहीं होता है टू अपोलोजाइज, यानी शर्मिंदगी झेलना. इस तरह से अपना ये सेकेंड डे का क्लास खत्म होता है. थैंक यू.